भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना माना जाता है। साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप कार्तिक महीना माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रत्येक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है और स्नान करने के बाद में प्रभु का पूजन करता है, शालिग्राम भगवान का पूजन करता है, तुलसी माता का पूजन करता है, या फिर ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान करता है, उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में स्नान करता है, दान पुण्य करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और जब मनुष्य के पाप दोष नष्ट होते हैं तब उसके भाग्यों का उदय होता है, और जब उसके भाग्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, और इस संसार में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं उसे प्राप्त होने लगती है, और उसके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आप कार्तिक का पूरा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन कथा का श्रवण करना चाहिए तथा कार्तिक माह के निमित्त दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आज हम आपको कार्तिक महीने के 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रभु का आवाहन करेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोई कथा का श्रवण करें तो गुरुदेव की वंदना स्तुति करना चाहिए और प्रभु का आवाहन करना चाहिए, तथा आप कथा का श्रवण यदि करेंगे इस प्रकार तो निश्चित तौर से भगवान की अपार कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। गुरुदेव की कृपा से कथा निर्विघ्न समापन होती है, और भगवान का सानिध्य जब हमें प्राप्त होता है तब हमें कथा का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम् सुललितम् कंठे च मुक्तावलिम् गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनम् वरहवतंस प्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंगावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। वरहपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः प्रावीशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयंतीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय
जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए, धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर, राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक का मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ में नंदी पर चढ़कर हंसते हुए मुस्कुराते हुए बड़े वेग के साथ में युद्ध भूमि में आए। उनको आया हुआ देख करके उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होते देख करके जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को कटकटाते हुए भगवान शंकर जी की ओर दौड़ पड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट करके अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चीशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख करके जलंधर और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मार करके उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि के बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा और इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित होकर के जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके बेल पर बैठ करके माता पार्वती के पास पहुंच गया। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आ गई। पार्वती जी को देख करके कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उस दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर के उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती जी को देख करके जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य का वह कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हो? आपको पता है कि जलंधर इतना भयंकर दैत्य इस प्रकार से भ्रमण कर रहा है? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु भगवान से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर के उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, तभी वह दैत्य मारा जाएगा। क्योंकि उसकी जो पत्नी है वह जो है सती है और उसका पतिव्रत भ्रष्ट होगा तभी उस जलंधर का जो है वध आप कर पाओगे। माता पार्वती की आज्ञा को पा करके भगवान विष्णु जो है उसी तरह वहां से छल करने के लिए जलंधर की नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं।
इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक माह के 18वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज की आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कथा के निमित्त गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, फलदान या कोई भी दान करने के निमित्त धनराशि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।